मेरा नाम डॉक्टर मंगला पाटिल, वोकाड हॉस्पिटल मीरा रोड। यहाँ मैं 13 साल से काम कर रही हूँ। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा 30 साल का अनुभव है। आज हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानेंगे। एंडोमेट्रियोसिस, इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मली गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग होती है उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। वो महावारी में हमेशा 2/3 पोर्शन जो होता है उसका शेड आउट होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। पर कुछ कारण अगर ये एंडोमेट्रियम नॉर्मल जगह छोड़ के कहीं और दिखाई देता है, एबनॉर्मल जगह पे दिखाई देता है, तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में बहुत ज्यादा कॉमन है। ये सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस या जिसको लिगामेंट्स बोलते हैं, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स या गर्भाशय का पिछला भाग जो है वहां पे ये दिखाई दे सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जो होता है ये प्रीवियस सर्जरी के बाद भी दिखाई देता है। जब मेंस्ट्रुएशन के समय अगर कोई सर्जरी होती है, ऐसा देखा गया है कि सीजरियन के बाद कभी कभी स्कार एंडोमेट्रियोसिस भी दिखाई देता है, या नॉर्मल डिलीवरी के बाद एपिसोटमी जो स्कार होता है वहां पर भी कभी कभी अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू रह जाता है तो वहां पर भी एंडोमेट्रियोसिस ऑफ एपिसोटमी स्कार हो सकता है। बट ये स्कार एंडोमेट्रियोसिस जो है वो बहुत ही रेयर कंडीशन है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो होता है इसमें 10-15% पेशेंट्स को एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम हो सकता है। 30-40% जो महिलाएं होती है एंडोमेट्रियोसिस के, उसमें इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं। अभी ये एंडोमेट्रियोसिस होता क्यों है, इसका एग्जैक्ट कारण क्या है ये तो पता नहीं है, बट ऐसा हाइपोथेसिस है कि अगर एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है वो अपनी जगह छोड़ के अगर गर्भाशय के बाहर चला जाता है, ट्रैवर्स करता है, जैसे ओवरी है, ब्रॉड लिगामेंट है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स है, गर्भाशय का पिछला भाग है, तो वहां पर वो एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियल टिश्यू वहां पे जाने के बाद वहां पे जो कंडीशन बन जाती है तो उसके लिए हम उसे एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अभी पेशेंट को इसके लक्षण क्या रहेंगे, तो 3 मुख्यतः उसके लक्षण दिखाई देते हैं। 1 तो पेशेंट को महावारी बहुत ज्यादा होगी, महावारी में बहुत ज्यादा क्लॉट्स भी जाएंगे, पेशेंट को क्लॉट्स जाने के बाद पेशेंट को महावारी में दर्द भी होगा, लोअर बैक के लोअर पेल्विक पेन, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स है। 3 कॉमन सिम्टम्स जो हम बोलते हैं तो उसे हम कहते हैं कि मेनोरेजिया, डिसमेनोरिया और डिसपैरोनिया। मेनोरेजिया इसका मतलब होता है कि हेवी ब्लीडिंग होना, डिसपैरोनिया इसका मतलब ये होता है कि रिलेशंस रखते समय पेशेंट को पेन होना, और डिसमेनोरिया इसका मतलब ये होता है कि महावारी के दौरान पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन होना। और ये जो सीवियरिटी होती है ये हर बार हर महीने में ये बढ़ती जाती है। तो ये 3 अगर सिम्टम्स होते हैं तो हम उसे कहते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। और
डायग्नोसिस के लिए हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस का जो जरिया है वो है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन द्वारा शस्त्रक्रिया। अभी दूरबीन द्वारा हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे एंडोमेट्रियल स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं क्या। कॉमनेस्ट जो एंडोमेट्रियल स्पॉट्स होते हैं वो ओवरी है, लिगामेंट्स है, ब्रॉड लिगामेंट है, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स है, गर्भाशय का पिछला भाग है, ये सब कॉमनेस्ट है। ओवरियन एंडोमेट्रियल सिस्ट जो होती है जहाँ पे ओवरी में बहुत ज्यादा सूजन होती है, ओवरी गर्भाशय के पिछले भाग में चिपक जाती है और ओवरियन में अगर स्वेलिंग होता है, एंडोमेट्रियल सिस्ट वगैरह होती है तो उसे हम लोग चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे जो महावारी का जो रक्तस्राव वहां पे जो हर महीने में जो बढ़ता है तो उसका कलर जो है वो चॉकलेट जैसा होता है, इसलिए उसे चॉकलेट सिस्ट ऑफ ओवरी बोलते हैं। अभी डायग्नोसिस के लिए हम वहां से बायोप्सी लेते हैं और उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। उसमें हमें एंडोमेट्रियल टिश्यू और स्ट्रोमा दिखता है और फिर उसके द्वारा हम उसे कंफर्म करते हैं कि ना कि एंडोमेट्रियोसिस का ये केस है। अभी ट्रीटमेंट करना है तो हमें ट्रीटमेंट में दो प्रकार है, एक तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और दूसरा सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम उसे पिल्स, इसका मतलब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के, वो हम साइक्लिकली देते हैं और दूसरा डैनाजोल, पर डैनाजोल आजकल हम लोग यूज नहीं करते हैं। तीसरा है इंजेक्टेबल GnRH एनालॉग्स। अगर मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पेशेंट को फायदा नहीं हुआ तो हम सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में लेप्रोस्कोपी द्वारा हम लोग छोटे छोटे अगर स्पॉट्स होते हैं तो उसको कॉन्ट्रेस करते हैं, फल्गरेशन करते हैं, पर जैसे ओवरियन सिस्ट है 4 सेंटीमीटर से बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो ऐसे ओवरियन सिस्ट को, ऐसे चॉकलेट सिस्ट को हम लेप्रोस्कोपी द्वारा उसका एक्सिशन करते हैं, सिस्ट वॉल के साथ पूरा हम लोग रिमूव करते हैं और इस प्रकार से हम एंडोमेट्रियोसिस अगर किसी होता है तो हम उसको मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या सर्जिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से हम लोग उसका पूरा इलाज कराते हैं। धन्यवाद।